हेलो गाइस, पैरम विद जी मेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की अपकमिंग टीवी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के बारे में। साथ ही साथ वीडियो के एंडिंग में एक और काफी कमाल के अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के। तो सबसे पहले जो नंबर वन का अपडेट है वो है कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में पूरी कास्ट रिटर्न होगी, यानी कि डेविड हार्वर का भी कैरेक्टर रिटर्न होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि सीजन 3 में वो कैरेक्टर मर चुका, पर ऐसा क्लियरफाई या कंफर्म नहीं करा गया। और डेविड हार्वर ने एक पोस्ट करा था इंस्टाग्राम पर, एक फ्लावर वाला, जिसमें कि उन्होंने डायमेंशन को दिखाया था, एक हिंट दी थी। इससे ये कंफर्म होता है कि ये कैरेक्टर रिटर्न होगा। साथ ही साथ एक और जो छोटा सा अपडेट है वो है कि अगर आपने सीजन 3 देखा है, उसका एक पोस्ट क्रिएट सीन देखा होगा, तो उस चीज़ से भी ये कंफर्म हो जाता है कि डेविड हार्वर का कैरेक्टर रिटर्न होगा और पूरी कास्ट तो रिटर्न हो ही रही है। अब बात करते हैं सीजन 4 कंफर्म कैसे होगा। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन का जो ऑफिशियली अकाउंट है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का, उन्होंने अपनी एक प्रोफाइल पिक चेंज कर दी, जिसमें कि उन्होंने घड़ी को दिखाया और उस क्लॉक पर एक खून लग रहा है। जी हाँ, खून लग रहा है। तो घड़ी जो दिखाई गई है, तो अब फैन थ्योरीज और कुछ ऐसे अपडेट आ रही हैं कि इस सीजन 4 में हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, वो होगा टाइम ट्रेवलिंग का। जी हाँ, वो होगा टाइम का। और डायमेंशन का तो हमें देखने को मिल चुका है, तो डायमेंशन के साथ टाइम ट्रेवलिंग भी जुड़ जाए तो ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा कमाल का हो जाता है। तो हमें सीजन 4 में टाइम ट्रेवलिंग भी देखने को मिलेगी। और इस चीज़ से ये भी कंफर्म हो जाता है कि पूरी कास्ट रिटर्न हो रही है, डेविड हार्वर भी रिटर्न हो रहे हैं, सीजन 4 तो आ ही रहा है, और साथ ही साथ इसमें टाइम ट्रेवलिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मेरी एक सलाह है कि अगर आप मार्वल डीसी के फैन हो, अगर आप कुछ नया देखना चाहते हो, तो इस सीरीज़ को ट्राई करो 100%। आप 3 दिन तक हिप्नोटाइज हो जाओगे और खो जाओगे इस सीरीज़ के अंदर। जी हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है। और बात करते हैं अब नेटफ्लिक्स के दूसरे अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी कमाल का है। तो अगर आपने नेटफ्लिक्स की बेबी सिटर मूवी देखी होगी, जो कि हॉरर और काफ़ी थ्रिल टाइप की मूवी है, जी हाँ, आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें एंडिंग में क्या क्या होता है, तो वो इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो इसका सेकंड पार्ट कंफर्म हो चुका है, जी हाँ, और पूरी कास्ट रिटर्न हो रही है। अब नेटफ्लिक्स इन सबको कैरेक्टर को रिटर्न कैसे करेगा, क्योंकि ये सब तो मर चुके हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा है, तो ये भी एक सस्पेंस वाली मूवी है, जो कि सेकेंड पार्ट इसका कन्फर्म हो चुका है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देखते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देखकर पेज को लाइक करें। रियली मैं कुछ वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक में शेयर करो। जो मैं इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उसमें स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।